सौमिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपागधामगियं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणासिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यः च। पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा ब्रजमंडल परिक्रमा। सो विल कंटिन्यू, वी आर स्टेइंग इन गोवर्धन गोवर्धन, सो विल कंटिन्यू विद गोवर्धन परिक्रमा टुडे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का पुनः एक बार स्वागत है। आज हम ब्रजमंडल परिक्रमा के 11वें दिन में प्रवेश कर रहे हैं और जैसा कि आप लोग कल हम गोवर्धन परिक्रमा की शुरुआत कर दी थी, अब हम कल से आगे बढ़ेंगे यात्रा में अपनी। हरे कृष्णा। सो यस्टरडे वी सॉ द हिस्ट्री और हाउ द गोवर्धन माउंटेन गॉट मैनिफेस्टेड विद इन द ब्रज भूमि। कल हमने इस विषय में चर्चा की कि किस तरह गोवर्धन पर्वत जो है वो ब्रजमंडल में उनका आविर्भाव या प्राकट्य हुआ। एंड आल्सो द लीला इन कृष्णा पास्ट टाइम वेयर नंद महाराज एंड गोपास विल बी वर्शिपिंग इंद्रा एंड देन द लीला ऑफ कृष्णा लिफ्टिंग द गोवर्धन हिल फॉर कंटिन्यूअसली फॉर 7 डेज। सो दैट लीला आल्सो वी सॉ यस्टरडे। और कल हम गोवर्धन लीला के विषय में भी चर्चा किए कि किस तरह से भगवान कृष्ण के मना करने पे जो वरिष्ठ गोप थे उन्होंने इंद्र की पूजा बंद की और भगवान ने गोवर्धन पर्वत को 7 दिन 7 रात तक अपनी उंगली के नख पे उठाए रखा। एंड वी आल्सो सॉ द वेरियस पास्ट टाइम्स and the most important thing about how Mahaprabhu also did the Govardhan Parikrama, and we started with Manasi Ganga. और हमने ये भी देखा कि किस तरह से चैतन्य महाप्रभु जो है वो गोवर्धन परिक्रमा पे भी आए थे और हमने अपनी यात्रा की शुरुआत मानसी गंगा से की। So after Manasi Ganga we went to Chakratirtha, then Chakratirtha to Sanatana Goswami Bhajan Kutir, and from Sanatana Goswami Bhajan Kutir, we had darshan of Haridev. तो जैसा कि कल हम चक्रतीर्थ से चक्रतीर्थ होते हुए हम चक्रतीर्थ होते हुए हम लोग हरिदेव मंदिर पे पहुंचे। So here also there is one ghat called as Dhan Ghati or Dhani Raya Temple. Next one we are going to see today. अब हम हरिदेव मंदिर से हम दान घाटी मंदिर की तरफ बढ़ेंगे, प्रस्थान करेंगे। So this is similar to जिसे दानी राय मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। So this is similar to one Dhan Ghat place near Barsana. ये बरसाना में एक दान लेने वाली जगह के ही समतुल्य है। So here also Krishna and his Gopas stopped the gopis and they started collecting tax. They will disguise as Kamsa's tax collectors and they will try to collect tax. So instead of collecting tax money, they were for Subala and others, they will collect whatever nice sandesh and yogurt and milk, whatever they have in their box. तो इस स्थल पर लीला ऐसी है कि भगवान और उनके जो गाल सगा थे इंद्र के कंस के अनुचर बनकर यहाँ पे कर इकट्ठा करते थे और उससे जो धन प्राप्त होता था उस धन से वे कुछ मिठाइयां वगैरह जो है उसको खरीदते थे। बट मोस्ट ब्यूटीफुल पास्ट टाइम टुक प्लेस नियर बरसाना, बट दिस इज आल्सो कंसीडर्ड, दिस प्लेस नियर गोवर्धन इज आल्सो कंसीडर्ड एज वन ऑफ द दान घाटीज वेयर कृष्णा परफॉर्म दिस लीला। जो सबसे मधुर लीला है, मधुरतम लीला है इससे संबंधित, वो बरसाना में हुई सकरी को नामक स्थान पे, और ये भी लीला है वो भी बहुत ही मधुर है। So this mandir is called as Dhan Ghati mandir. आप जो अपने मोबाइल के पटल पे जो मंदिर देख पा रहे हैं इसे दान घाटी मंदिर भी कहा जाता है।
So this is kind of on the way from the main. This is on the way, and it is near the Govardhan town. ये परिक्रमा मार्ग के पथ पे ही है और गोवर्धन शहर के निकट में स्थित है. Yes, yes. So you can take darshan here, the Dhangati Raya, Krishna. और दानघाटी राय जो कि कोई और नहीं परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण हैं, उनके आप दर्शन कर सकते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर या लैपटॉप की स्क्रीन पर. So when you cross this, there's one very nice old beautiful palace of King Bharatpur, and which ISKCON later took over, and there's one nice ISKCON ashram there. So to cross the road from this Dhangati Mandir, and to the left hand side we can see this ISKCON guest house. तो इस दानघाटी मंदिर के निकट ही इसको राजस्थान के भरतपुर के राजा की एक बहुत ही विशाल कोठी है जिसे कालांतर में इस्कॉन ने अधिकृत कर लिया है और यहाँ पे अब इस्कॉन का एक छोटा सा आश्रम भी स्थित है. एंड देन नियर दैट देयर इज वन कुंड कॉल्ड एज धान निवर्ति कुंड वेयर आफ्टर सम टाइम द गोपीज एक्सक्यूज्ड एंड रिलीव्ड द गोपास कॉल्ड धान निवर्ति कुंड. और इस स्थल के निकट में दान निवृत्ति कुंड भी है जहाँ पे गोपियों ने ग्वालों को क्या कहते हैं उन्हें क्षमा 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 प्रदान की थी. ये वही लीला स्थली है. सो व्हाटएवर यू सी ऑन द स्क्रीन इज द बैक साइड ऑफ दैट कुंड इज द गोवर्धन हिल वेरी वेरी मोस्ट वेरी सो द वेरी क्लोज प्लेस ऑफ गोवर्धन लाइक वेरी वेरी द हिली रीजन दैट व्हाटएवर यू सी इज द रीजन दैट यू आर सीइंग इन द स्क्रीन. तो आप अपनी अपने मोबाइल पटल पे जो चित्र देख पा रहे हैं ये दान निवृत्ति कुंड जो है गोवर्धन पर्वत के बहुत ही समीप है और इस कुंड के नजदीक में ही आप गोवर्धन पर्वत के मनोरम दृश्य का भी आनंद प्राप्त कर सकते हैं. एंड वी आर कीपिंग वॉकिंग देयर इज अ वेरी नाइस विलेज फ्रॉम गोवर्धन टाउन वी वॉक देयर इज अ विलेज कॉल्ड अनियोर विलेज. हम परिक्रमा मार्ग में जब आगे बढ़ेंगे तो हम चलते चलते जब आगे जाएंगे तो हम एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही मधुर लीला स्थल पे पहुंचेंगे और एक जो गांव जो वहां पे स्थित है उसे अनियोर गांव के नाम से जाना जाता है. सो व्हेन नंद महाराज एंड ऑल द गोपास ऑफर्ड ऑल द फूड एंड ऑल द भोगा टू गोवर्धन कृष्णा हिमसेल्फ मैनिफेस्टेड हियर एंड ही स्टार्टेड टेकिंग ऑल द प्रसाद. सो एज ही वाज टेकिंग He said, "Anyor, anyor, anyor," which means I want more, I want more. So the Gopas were very, very happy, and they started giving as much as their capacity, all kind of boga here. So from that, this village got the name as Anyor. गोवर्धन पूजा के उपरांत नंद महाराज के नेतृत्व में सारे ग्वाल बालों ने गोवर्धन पर्वत को बहुत सारा असंख्य भोग अर्पण किया. भगवान जो है वो गोवर्धन के स्वरूप में अवतरण लेके और भगवान ने सारे सारे जो भी भोग थे उनको अर्पण किए थे सारे भोगों को खा लिया. उसके बाद वो जोर जोर से उंकार करने लगे अनियोर अनियोर अनियोर. उसका ब्रजभाषा में अर्थ होता है और लाइए और लाइए और लाइए मुझे और चाहिए और लाइए. और ये सुनकर जो ब्रजवासी थे भगवान की इच्छा को चाहने की जो जो और पानी की जो इच्छा थी उसको देखकर जो ब्रजवासी बहुत आनंद महसूस किए और उन्होंने और जो भी खाद्य पकवान थे वो भी अर्पित किए. सो यू शुड ऑल नो द सीक्रेट ऑफ छप्पन भोग. यू नो व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ छप्पन भोग लाइक कंटिन्यूअसली कृष्णा डिडंट टेक फूड फॉर 7 days. सो कृष्णा डेली टेक्स 8 times डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड लाइक स्मॉल स्वीट टू फ्रूट्स टू मिल्क. सो ही टेक्स 8 times अ डे. सो इट इज कंसिडर्ड Since Krishna didn't take for all the 7 days, after that, all the gopas, everybody, they made so much of nice arrangements. They had each of them made 8 different types of dishes, and they made a big variety of 56 different bogas. So that is why it is called as Chappan Bhog. तो आप लोगों को छप्पन भोग का इतिहास हो सकता है ना पता हो. तो ये छप्पन भोग का इतिहास जो है वो भगवान की गोवर्धन लीला से संबंधित है. जैसा कि आपको पता है जैसा कि आपको ज्ञात है
कि भगवान जब गोवर्धन पर्वत उठाए थे तो वो 7 दिन और 7 रात उन्होंने किसी प्रकार का कोई भोजन अर्पण नहीं किया था, खाया नहीं था। उसके बाद जब वो गोवर्धन पर्वत रखते हैं तो सारे ब्रजवासी जो है बहुत ही आनंदित हो जाते हैं और सारे जो भक्त हैं वो 8-8 प्रकार के जो है पकवान बनाते हैं, और इससे ये 56 भोग जो है ये इस चीज का जो है उद्गम हुआ। तो अगर आप इसको गुणा करेंगे तो 7 दिन भगवान ने कुछ नहीं खाया था और 8 प्रकार के पकवान, तो 7×8=56, तो इस प्रकार से 56 भोग। So on the way after Anyur, on the parikrama of Govardhan, we are going to have a beautiful darshan of Sankarshan Kund and Sankarshan Temple. So this is dedicated to Dauji Balram. और अब जब आप अनियोर गांव से आगे आगे की ओर प्रस्थान करेंगे तब आप संकर्षण कुंड के निकट पहुंचेंगे। संकर्षण कुंड जो है वो दाऊ जी को समर्पित एक छोटा सा मंदिर है। सो हियर दाऊ जी बलराम विल कम हिज विद हिज फ्रेंड्स एंड समटाइम्स हैव लीलास एंड हिज प्लेइंग टाइम। सो समटाइम्स व्हेन कृष्णा ही गोज अवे विद गोपीज फॉर सम अदर लीला देन बलराम विल कम हियर एंड हैव हिज प्ले नियर दिस कुंड। तो कृष्ण जब गोपियों के साथ कहीं अंतर ध्यान हो जाते थे या चले जाते थे तो दाऊ जी अपने ग्वाल बाल सखाओं के साथ इस स्थल पर आकर लीला और क्रीड़ाएं करते थे। And the temple here is constructed, reconstructed 200 years back, and now the South Indian GR he has taken over and renovated very beautifully, and they have installed around 34 feet, very huge 35 feet huge Sankarshan statue here. तो ये जो वर्तमान में जो मंदिर स्थित है वो कुछ 200 साल पुराना है, जिसे 200 साल पहले उसका जीर्णोद्धार किया गया था। वर्तमान में ये इस मंदिर पर एक दक्षिण भारतीय जीयर का जीयर इस मंदिर के मठाधीश हैं और उन्होंने इस मंदिर में 35 फीट ऊंची एक संकर्षण जी की प्रतिमा स्थापित करवाई है, और इस तरह से ये जो मंदिर है ये दक्षिण भारतीय श्री वैष्णव पूजा विधि के द्वारा इसे संचालित किया जाता है। स्टैचू वाज कार्व्ड नियर तिरुपति एंड ब्रॉट ओवर फ्रॉम तिरुपति टू ब्रजधाम हियर एंड दे टुक दे द चिनजीयर एंड अदर्स दे अडॉप्टेड दिस प्लेस एंड नाइसली डेकोर आई मीन री व्हाट इज री रेनोवेटेड दिस कुंड एंड देन मेड द टेंपल वेरी नाइसली। तो ये जो लीला स्थली है इस 35 फीट की जो ऊंची जो मूर्ति है जो विग्रह है इसकी जो इसको तिरुपति के पास तराशा गया था, उसके बाद ये विग्रह वृंदावन में आते हैं और इस मंदिर को चिन्नाजीयर स्वामी जो दक्षिण भारत में काफी विख्यात हैं श्री वैष्णव संप्रदाय से हैं, उन्होंने इस मंदिर को गोद ले लिया, इसको दत्तक कर लिया और इस उसके बाद इन्होंने इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया और यहाँ पे इस बहुत ही सुंदर भगवान संकर्षण के विग्रह को स्थापित और उसकी पूजा अर्चना जो है निरंतर चल रही है। So next to that there is another kund called as Govind kund or Narayana Sarovar. और इस संकर्षण कुंड के निकट ही गोविंद कुंड भी स्थित है जिसे नारायण सरोवर के नाम से भी जाना जाता है। So here is it is this kind of little center place from where Krishna lifted he went inside a cave. And with that cave, he just you know lifted the entire Govardhan hill. So this place is kind of the center of the kind of pivot in the center of that entire Govardhan hill. So by which he lifted through his left hand. So there is a Kadamba tree also, and the cave in which from through which Krishna lifted the Govardhan hill. तो ऐसी मान्यता है कि स्थिति इसी स्थल से ये जो स्थल है ये गोवर्धन पर्वत की धुरी है या मध्य है जहां पर भगवान ये कृष्ण जो है कंदरा में जाकर और उस कंदरा सहित ही कंदरा में प्रवेश करके और पूरे गोवर्धन पर्वत को अपने बाएं हाथ की उंगली पे उठा लेते हैं। एंड फ्रॉम नियर दिस प्लेस ओनली आफ्टरवर्ड्स व्हेन इंद्रा रियलाइज दिस मिस्टेक्स ही केम हियर एंड देन इंद्रा डिड अभिषेकम अलोंग विद सुरभि कौम एंड ऐरावत। So there are other kund also for Surabhi and Airavat, but this is also a very special place where the Abhishekam took place. और यही वो स्थल है जैसा कि हमने कुछ कल चर्चा की थी कि किस तरह से इंद्र 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 जो आते हैं भगवान से क्षमा याचना करते हैं और उनके साथ सुरभि गाय और ऐरावत भी
सारे सारे दिव्य तीर्थ स्थलों के जल को लेके भगवान का अभिषेक करते हैं। सुरभि गांव जो है अपने दूध से भगवान का अभिषेक करती है, यही वो स्थल है जहां पर अरावत और सुरभि गाय ने भगवान का अभिषेक किया था। और इस कुंड के निकट ही सुरभि कुंड और अरावत कुंड भी स्थित है। The back side of this kund, like, you know, Hare Krishna, I think your voice is breaking. This side of the Govardhan is Govind Kund, the other side of the Govardhan is Surabhi Kund and Indra. और इस कुंड के पीछे ही सुरभि कुंड में स्थित है। Next one we are going to see very important place called Gopala Prakatasthali. अब हम एक बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण लीला स्थली का दर्शन करेंगे जिसे गोपाल प्रकट स्थली के नाम से विख्यात है। सो इन अवर आचार्य संप्रदाय माधवेंद्रपुरी इज कंसीडर्ड अवर मेन ट्रंक, ही इज द फोरमोस्ट अथॉरिटी हु ऑन हिज ब्रजमंडल परिक्रमा ही केम हियर सैट नियर दिस स्थली एंड स्टार्टेड हैविंग हिज प्रेयर्स। सो वन मॉर्निंग व्हेन ड्यूरिंग हिज प्रेयर्स देयर वाज ही वाज वेरी हंग्री व्हेन ही वाज प्रेइंग वन स्मॉल ब्लू बॉय केम and gave a pot of milk here. तो जैसा कि हम जानते हैं माधवेंद्रपुरी जो है हमारे संप्रदाय के ब्रह्मवत गौड़िया संप्रदाय के एक प्रमुख आचार्य हैं, उन्हें हमारे संप्रदाय की मेन जो प्रमुख जड़ भी कहा जाता है, वो यहाँ पे आए और यहाँ पे वो अपनी जो इस स्थली पर निवास करके वो अपना भजन करते थे। तो एक दिन सुबह सुबह एक नीले कलर का लड़का, नीले वर्ण का लड़का उनके पास आता है और उन्हें एक मटके में दूध अर्पण करता है। So, माधवेंद्र पुरी asks, who are you? I am just a coward boy here. So, whoever comes here, it is my duty to take care of them and give them milk. माधवेंद्र पुरी पाद उस लड़के से पूछते हैं, आप कौन हैं? लड़का जवाब देता है कि मैं जो हूँ इसी गांव में रहता हूँ और इस गांव मेरी जिम्मेदारी यह है कि अगर यहाँ पे कोई भी अगर यात्री आता है तो उसकी देखभाल करना जो है मेरी जिम्मेदारी है। And how do you know I'm very hungry? Came on the right time. I'm very hungry. और माधवेंद्रपुरी उसको पूछते हैं कि आपको ये कैसे पता चला कि मैं बहुत भूखा हूँ और मुझे किस चीज की आवश्यकता है? And the boy will say, whoever steps near this Govardhan, whoever is coming, भजन कीर्तन एवरीथिंग व्हाटएवर थिंग हैपनिंग हियर इट इज डेफिनेटली नो। तो वो लड़का कहता है कि इस स्थल पर अगर कोई भी व्यक्ति जो है भजन कीर्तन करता है और नया नया आता है तो वो मुझे पता चल जाता है। सो ही विल हैव द मिल्क एंड ही विल बी सो ब्यूटीफुल सो डिलीशियस दैट ही विल बी नो रिलीशिंग इट एंड कंटीन्यूअसली फॉर फ्यू डेज सेम गोपाला विल कम। वन डे गोपाला विल नॉट कम। That day, Madhavendrapuri will be very devastated. Like, where is that Gopala? Where is that Gopala? Like that, he will be, you know, praying, worrying. तो ये लड़का जो ये दूध देता है और तो ये दूध है बड़ा ही स्वादिष्ट होता है और इस तरह से वो लड़का रोज सुबह हर सुबह माधवेंद्रपुरी को लाके एक मटकी भर दूध देता है। कुछ दिनों के बाद वो लड़का नहीं आता दूध देने। माधवेंद्रपुरी जो है वो बहुत ही विरह का अनुभव करने लगते हैं और क्रंदन करने लगते हैं कि कहाँ गया वो ग्वाल बाल, कहाँ गया वो ग्वाल बाल जो मुझे रोज दूध दूध लाके देता था। So that night when he was not about to sleep, he was just murmuring Gopal, Gopal. Then the Lord comes in his dream and said, "See, I have been coming here daily, but you didn't recognize me. And then so." On top of this hill, I am there. Please come and take and then build a temple. That is it. तो माधवेंद्रपुरी जब निद्रा शयन करने जा रहे होते हैं तो गोपाल गोपाल का उच्चारण करते रहते हैं। उस रात गोपाल भगवान कृष्ण स्वयं उनके स्वप्न में आते हैं और उन्हें कहते हैं कि मैं अभी कुछ दिन से आपके पास रोज आता था दूध लेके, लेकिन आप मुझे पहचान नहीं पाए। कोई बात नहीं है, मैं जो हूँ इसी गोवर्धन पर्वत की तलहटी की पर्वत श्रृंखलाओं में ही स्थित हूँ, मुझे आप वहां से निकालिए और एक विशाल मंदिर का निर्माण करवाइए। So immediately next day he goes, he calls all the villagers and say, Krishna came in my dream, please come. And so they all climb on Govardhan and start searching. And finally they are able to identify the Vigraha, Srinathji Vigraha of Nathdwar. So there he, now here, he established the Govardhan, on top of the Govardhan, he established this Gopala deity and did a very big festival. So from that day onwards, the big Annakut festival, he made big, big mountains of rice
and started distributing to all the Vrajvasis. So from insignificant to this only, we have this Annakoot festival also in remembrance of Madhavendra Puri we are celebrating. तो अगले दिन फौरन सुबह उठने के बाद माधवेंद्रपुरी जो है वो आस पड़ोस के गांव में जाते हैं और सारे जो गांववासी है उनसे विनती करते हैं, उनको बताते हैं कि भगवान कृष्ण जो स्वयं है उनके स्वप्न में आए थे और उन्हें ये निर्देश दिया कि वे इस समय गोवर्धन पर्वत की श्रृंखलाओं में स्थल पर स्थित है और हमें उन्हें बाहर निकालना है। तो फिर वो सारे जो ब्रजवासी है वो इकट्ठा हो जाते हैं और सारे लोगों के प्रयास से वो उस स्थान से जो माधवेंद्रपुरी के स्वप्न में जो स्थान स्थली भगवान ने बताई थी उस स्थली पे जाके वहां पे खुदाई करते हैं और क्या उन्हें गोपाल जी के विग्रह मिलते हैं। ये गोपाल जी के विग्रह इस समय वर्तमान समय में ये नाथ द्वारा में स्थित है जो कि राजस्थान में है। उसे और इस विग्रह को जो जो माधवेंद्रपुरी ने खोद के बाहर निकला था उसे गोपाल वहां पे कहा जाता था। अब जब नाथ द्वारा में ये इनकी स्थापना हो चुकी है तो इन्हें श्रीनाथ जी के नाम से भी विख्यात है। इन्हें ये वही श्रीनाथ जी वही है जिसे माधवेंद्रपुरी ने उत्खनन करके गोवर्धन पर्वत से निकाला था। और उसके बाद उस विग्रह को निकालने के बाद माधवेंद्रपुरी उसकी बहुत सुंदर उसकी पूजा अर्चना करवाते हैं और उनके भगवान के प्राकट्य के उपलक्ष में वे एक बहुत ही विशाल अन्नकूट उत्सव भी मनाते हैं जिसमें पूरे ब्रजवासी जो है अपने घर से बड़े 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 मटकियों में बड़े बड़े थालों में परातों में बहुत ही विविध प्रकार के जो भोजन भोजन खाद्य सामग्री जो है वो गोपाल जी को अर्पण करते हैं। So, Madhavendra Puri ki chai. So next, on the same thing, on top of the Govardhan, we'll see one Dauji Mandir called as Look Dauji Mandir. So, ab hum Govardhan Parvat pe sthit ek bahut hi Dauji ke mandir, Dauji ke mandir hai, jiska naam hai Look Dauji Mandir. One second ago, I will. Just, so that is also again one of temple of Balram, where when he came, he rested in this temple and he was resting on a rock. So you can, there is one place where he can. That rock is made into a chair, kind of cushion chair where he rested. So that also we can take darshan. So Dauji sthal pe aake vishram kar rahe the. जिस शिला पर वो विश्राम कर रहे थे वो एक 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 प्रकार से उनके कुर्सी के रूप में उसने आकार ले लिया है तो उसका भी दर्शन हम कर सकते हैं इस स्थल पर। Just give me one second, Prabhu. There is the other PDF is not opening. Just give me one second. And this slope, just bear with me. So this place is on top of the hill. Is what the is where Balram used to take rest. ये वो स्थली है जहाँ पे बलराम जी जो है वो उन्होंने विश्राम किया था। And then after this, look Dhauji Mandir. Now it is all kind of places are all like you know kind of like due to a lot of other changes the cushion chair and all is all modified but that place totally is still there. काल के प्रभाव से जो 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 कुर्सी का रूप धारण करी गोवर्धन शिला जो शिलाएं थी वो सब अब उस स्वरूप में नहीं है लेकिन ये लीला स्थली जो है जो की तो बनी हुई है। So we are nearing the end of one side of Govardhan where we have this Puncherika recorded as Lauta Baba or Lota Baba. So there's a village called as Puncheri now. तो अब हम गोवर्धन के एक 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 और एक छोर की जो परिक्रमा है वो पूर्ण करने वाले हैं और उसी उसी अब हम जो पुंचरी का लौटा बाबा है उस स्थल पर पहुंच गए हैं। ये पुंचरी गांव में स्थित है राजस्थान राज्य में आता है ये। And this is called the end or the tail piece of the Govardhan Hill.
और ये जो जगह है इसे गोवर्धन के पूंछ के स्वरूप में से समझा जाता है, माना जाता है। हरे कृष्ण प्रभु। He is also one of the friends of Krishna. Like when they were playing this hide and seek game, Krishna will tell to him, "You stay here. I'll come back with that." So consider that this friend is still waiting for Krishna to come back. तो कथा ऐसी है कि लीला ऐसी है कि कृष्ण और उनके ग्वाल सखा जो है वो लुका छुपी का खेल खेल रहे थे और भगवान जो है पुंछरी बाबा को कहते हैं कि मैं पूछ करके आता हूँ, पुंछरी का लौटा वे पूछ करके वापस आता हूँ। तो ऐसा ऐसी मान और उसी वजह से ये जो पुंछरी बाबा है ये अभी भी भगवान का वेट कर रहे हैं कि कब भगवान जो है वो पूछ करके वापस आएंगे। Switch off the camera also, then that will be helpful because maybe the internet will get little more better. It's okay. I think we'll proceed. So after Punchari Kolota and from Rajasthan, we are taking a U-turn and going towards back to Radhakrishna. अब हम पुंछरी का लौटा जो कि राजस्थान राज्य में स्थित है वहां से हम अब उल्टे घूम जाएंगे और हम वापस राधा कुंड पे लौटेंगे। So this near this place, little away from the Govardhan Mountain, there's a kund called Navalak Kund and or Punchari Kund. Govardhan पर्वत से कुछ दूरी पर ये नवल कुंड और पुंछरी कुंड या पुंछरी कुंड स्थित है। So it is not on the way to the parikrama, but if you want to take darshan, you have to go little inside the Punchari village. And take darshan of this kund. ये कुंड जो है वो परिक्रमा मार्ग पर स्थित नहीं है, ये पुंछरी गांव के अंदर स्थित है। अगर किसी किसी यात्री को इस कुंड का दर्शन करना हो करना करने की इच्छा हो तो वो गांव के अंदर पुंछरी गांव में अंदर जाकर इस कुंड के दर्शन कर सकते हैं। कृष्णा परफॉर्म्ड रास लीला ड्यूरिंग द स्प्रिंग टाइम, लाइक ड्यूरिंग द स्प्रिंग टाइम, समर स्प्रिंग टाइम ही परफॉर्म्ड रास लीला। जो लोग बोल नहीं रहे कृपया वो कृपया करके अपने फोन को म्यूट पे कर दे क्योंकि कथा में व्यवधान ना पड़े जिससे। अब हम अप्सरा कुंड पे पहुंच गए हैं। दिस अप्सरा कुंड वेयर कृष्णा समटाइम्स अपार्ट फ्रॉम द गोपीज देयर आर द वेरियस सेलेस्टियल अप्सरास हु आर वेरी फॉन्ड ऑफ यू नो सीकिंग दर्शन ऑफ कृष्णा। So when Krishna sometimes comes to this place, all the apsaras will come descend from the heavenly kingdom and have a dance with Krishna. तो गोपियों के अतिरिक्त जो अप्सराएं भी थी वो भगवान के दर्शन करने की इच्छा रखती थी और जब भी भगवान इस स्थल पे आते थे तो स्वर्ग आदि ऊपरी जो भी लोक हैं वहां से जो कन्याएं अप्सराएं जो है यहाँ पे आती थी और भगवान के साथ नृत्य करती थी। And next to that, there is a small on the way. You can see one small mandir called Narsingh Mandir. अब मार्ग में हम एक नरसिंह मंदिर का भी दर्शन कर सकते हैं। And then next to that, there is one kupa or it's a cave actually. It's called as Raghava Pandit Cave. और इस मंदिर के निकट ही एक कंदरा है जिसे राघव पंडित कंदरा भी कहा जाता है। When Raghav Pandit came, he stayed inside this cave and did his bhajan. और राघव पंडित जी जो थे इसी इसी कंदरा के अंदर रहकर अपनी भजन करते थे। And on the way to the left side, you will see there is very beautiful forest called as Kadamba Forest. और जब वापस मार्ग में आगे बढ़ते समय हम दाईं ओर जो है वो कदम के बगीचे को देखेंगे। In Rajbhumi,
This Kadamba tree is the most very famous and very very auspicious tree. So there are a lot of Kadamba trees all over Vrijbhumi, and the special forest is located in this Govardhan Parikrama place. परिक्रमा मार्ग में बहुत सारे जो कदम कदम के वृक्ष आपको दर्शन करने के लिए मिलेंगे. And next to this is called Shyam Dak. Shyam Dak is the play area where Krishna and his Gopa friends used to play a lot of his their the boy games like the sheep and the tiger, the hide and seek, and all those games. तो इसके आगे ही हम शाम दक पे पहुंचेंगे, जहां पर कृष्ण अपने गोप सखाओं के साथ तरह तरह के लड़कों वाले जो खेल, जैसे कहते हैं पकड़ा पकड़ी और ऊंच कुदाई और इस तरह के जो बच्चे जो खेल खेलते हैं, उस तरह के खेल इस स्थल पर खेला करते थे. And near there is one kund called as Gopi Sagar Kund. So if you want, you have to go a little away from the parikrama and then take darshan of the Gopi Sagar Kund. और इस स्थल से कुछ दूर पर गोपी सागर कुंड भी स्थित है. अगर आपके उससे दर्शन करने होंगे तो परिक्रमा पथ से थोड़ा दूर जाकर आपको इस कुंड के दर्शन मिलेंगे. So the other side of Govind Kund is this Surabhi and Airavata and Indra Kund. और इस कुंड से कुछ दूर पर सुरभि कुंड, इंद्र कुंड और ऐरावत कुंड भी स्थित है. दिस इज आल्सो द वेरी स्पेसिफिक प्लेस. लाइक एज आई मेंशन इन गोविंद कुंड व्हेन कृष्णा हैड अभिषेकम, दिस इज द अदर साइड ऑफ द गोवर्धन माउंटेन. ओके, ये गोवर्धन का दूसरा छोर है. एग्जैक्टली द बैक साइड ऑफ द गोविंद कुंड. ये गोविंद कुंड के ये दूसरा छोर है और इस छोर पे ये सुरभि इंद्र कुंड और ऐरावत कुंड है, और उस छोर पे गोवर्धन के उस छोर पे गोविंद कुंड है. And next to that there is one kund called as Rudra Kund. So when Shiva came here and Lord Shiva came here and when he was having darshan of Krishna with all his Gopas and Gopis and so many lilas, Krishna had wonderful happy mood, tears coming out of his eyes, and that tears made this kund called as Rudra Kund. ये कुंड जो देख रहे हैं इसे रुद्र कुंड के नाम से भी जाना जाता है. ये कुंड जो है वो शिव जी की अश्रुओं से निर्मित कुंड है, जो शिव जी के आंखों से निकले थे गोप और दूसरे सखाओं को देख के, भगवान की लीलाओं को देखकर. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू विलेज कॉल्ड अस जटीपुरा और यतीपुरा. अब हम जतीपुरा गांव पहुंच गए हैं, जिसे जतीपुरा अथवा यतीपुरा गांव से भी विख्यात है. दिस प्लेस इज वेयर दिस इज लाइक इन द रिमेम्बरेंस ऑफ माधवेंद्रपुरी. द अदर साइड ऑफ गोवर्धन इज वेयर the Gopalasthali, and the other side, this side of Gopalasthali is called Mukaravind, which is nothing but the entire Govardhan's face. तो इस स्थली के ठीक ठीक विपरीत दिशा में जो है वो गोपाल लीला प्रकट स्थली है. उस छोर पे गोवर्धन के उस ओर जो है गोपाल प्रकट स्थली, और इस छोर पे ये मुखारविंद है. ऐसी मान्यता है कि ये गोवर्धन जी का मुख है. And it is very auspicious, and lot of devotees will do abhishekam and aarti in this Mukaravind place. ये बहुत ही दिव्य स्थल है और कई भक्त जो है यहाँ पर मुखारविंद के अभिषेक और आरती भी करते हैं, पूजा अर्चना भी करते हैं. So here is where the samadhi of Vallabhacharya and his son Sri Vitala is also there. और इस स्थल के निकट ही पुष्टि मार्ग के जो आचार्य हैं वल्लभाचार्य जी और उनके पुत्र श्री विठल जी का समाधि स्थल भी स्थित है. And this place is also called as Shringasthali. और इस स्थल को Shringasthali नाम से भी जाना जाता है. Okay.
So Govardhan Shila is of 12 main types: Bhuma Shila, Sindhura Shila, depending upon the Shila from where, from which location it is taken, like Dandavat Shila, Dandavati Shila, like that. So it is very important, like when you keep walking, you can see the different places of Govardhan, and sometimes the Shila also will get manifested there. And whatever you're seeing on the screen is called the Dandavati Shila, like the Shila where like the performing Dandavats. गोवर्धन शिलाओं का भी 12 विभिन्न प्रकार में वर्गीकरण किया गया है और उनमें से कुछ हैं भौम शिला, सिंधुरा शिला, दंडवती शिला इत्यादि। तो आप जैसे परिक्रमा मार्ग में जैसे जैसे चलते रहेंगे विभिन्न प्रकार की जो शिलाएं हैं, विभिन्न वर्ग की जो शिलाएं हैं उनका आप दर्शन कर सकते हैं। आप अपने मोबाइल के पटल पे जो चित्र देख पा रहे हैं उस चित्र में वो दंडवती शिला का दर्शन कर पाएंगे आप। And then this Yatipura or Jatipura is nothing but in remembrance of Madhavendra Puri. And from Yatipura, we are going towards Govardhan town, the Govardhan village. So on the way to the left-hand side, whatever you are seeing on the screen, left-hand side is Govardhan. Right-hand side, you will see some small towns of kind of villages called as Suryakund. And there is a small temple called for Satyanarayana temple. And there is also a place called as Vilasavan. तो जतिपुरा जो गांव है वो माधवेंद्रपुरी की स्मृति में उसका उसका निर्माण हुआ था और जब हम उससे आगे निकलेंगे तो निकट पे ही सूर्यकुंड स्थित है जो जतिपुरा गांव के निकट है। इस स्थल पर जब आप देखेंगे तो वहां पे एक कुंड है जिसे सूर्यकुंड के नाम से जाना जाता है और उसी के प्रांगण में ही आप एक छोटा सा मंदिर के भी दर्शन करेंगे जिसे सत्यनारायण मंदिर भी कहा जाता है और यहाँ से विलास वन जो है वो 1.5 किलोमीटर पे स्थित है। So when Shrimati Radharani and Krishna and Gopas come, Gopis come, that Vilas Van is place where they will sit. So there is a simhasan or a chair of Shrimati Radharani, kind of a broken seat. We can take darshan of that in Vilas. In Vilaskund, in Vilachukund, it's called as Vilachukund or Vilaskund. और इस विलासकुंड या विलच कुंड के के किस स्थल पे गोपियां और कृष्ण जो हैं वो प्राय आकर बैठते थे और यहाँ पे वो बैठते थे, बातचीत करते थे और आज वर्तमान समय में आप इस विलास कुंड के निकट ही वो कुर्सी भी देख पाएंगे, वो मेज भी देख पाएंगे, कुर्सी देख पाएंगे जिसपे राधा रानी जो है वो आके बैठती थी। So when the Mughals start attacking all the Vraj places, Haridev DT, the DT that we saw, was hidden under this seat for many years. And then after the Mughal invasion was over, he was brought back and installed in the place that we saw near Ganga, in Manasa Ganga. मुगलों के आक्रमण से बचाने के लिए हरिदेव के जो विग्रह जो हमने कल दर्शन किए थे यात्रा के दौरान उन विग्रहों को इस कुर्सी के नीचे जो है लाके छुपा दिया गया था और जब मुगल आक्रमणकर्ता जब इस जगह से जब वापस गए तो फिर पुनः उन्हें उन हरिदेव मंदिर में पुनर्स्थापित किया गया। Now after this we are going to go to another specific village called as Shakihara or village of Chandravali. तो हम चंद्रावली सखी के गांव में जाएंगे जिसे सखीहरा गांव भी गांव के नाम से भी जो विख्यात है। So Radha Rani's father Vrishabhanu had another brother called as Chandrabhanu. So his daughter is named as Chandravali. तो राधा रानी के जो पिताजी थे वृषभानु उनके भ्राता श्री का नाम था चंद्रभानु और चंद्रभानु की ही लड़की है चंद्रावली जी। So in spiritual world she is kind of a competitor to Shrimati Radha Rani. और आध्यात्मिक जगत में चंद्रावली जो है राधा रानी की एक राधा रानी की प्रतिस्पर्धी है, प्रतिस्पर्धा राधा रानी से उनकी प्रतिस्पर्धा है। Yeah, and she also has 64 primary sakis and they are also serving Krishna. Like so whenever Krishna wants to come this side of the Govardhan, so he will take their service here. तो चंद्रावली के साथ जो है 64 प्रमुख सखियां भी हैं और जब भी भगवान जो है गोवर्धन के इस छोर पे आते थे तो राधा रानी और उनके सखियों के साथ विहार करते थे।
this is the place where she lived with her husband called as Govardhan Malla. और यही जो जगह है जहाँ पे चंद्रवेली अपने पति गोवर्धन मल्ला जी के साथ रहती थी. And he was close friend of Abhimanyu. और ये गोवर्धन मल्ला जी जो हैं वो राधा रानी के जो पति थे अभिमन्यु जी के बहुत ही प्रिय सखा थे. And now we are entering into the Govardhan town. अब हम गोवर्धन गांव गांव के गोवर्धन जो शहर है उसके अंदर हम प्रवेश कर रहे हैं. So the bhakt devotees sometimes they will start doing the dandavat parikrama within the smaller circle from the Govardhan town towards Radhakund. और भक्तगण कई बार यहीं से जो है वो दंडवत परिक्रमा की शुरुआत करते हैं गोवर्धन शहर से राधाकुंड तक. एंड बिफोर रीचिंग राधाकुंड वी आर रीचिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट कुंड कॉल्ड एज उद्धव कुंड. राधाकुंड पहुंचने के पहले हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थली पर पहुंच गए हैं जिसे उद्धव कुंड के नाम से जाना जाता है. So when Uddhava, the very close intimate relative and friend of Krishna, when he met him in Mathura, there is a lot of long conversation between them, and Krishna will send Uddhava to meet the gopis in Vrindavan to understand the pure spontaneous love of the gopis. गोपियों के प्रेम को समझने के लिए भगवान जो है वो उद्धव जी को वृंदावन भेजते हैं कि किस तरह से वो समझ के आए कि किस तरह से गोपियां जो हैं वो कृष्ण को अनन्य प्रेम करती हैं. So there's a very brief description that is mentioned in Bhagavatam. When he comes, he talks about Krishna. If you remember, we saw a place in Rajmandal in Vrindavan where the gopis meet Uddhav. Can anybody name the place? आपको आपको विदित होगा कि हम जब गोवर्धन यात्रा परिक्रमा के दौरान हम एक ऐसे स्थल पे गए थे जहाँ पे गोपियां जो हैं वो उद्धव जी का मार्ग जो है वो रोक लेती हैं. किसी महानुभाव को याद है उस स्थली का नाम क्या है? कोई आप में से कोई मोबाइल अनम्यूट करके जवाब दे पाए तो दे. तो आप लोगों को एक दिन का समय दिया जाता है उस लीला स्थली को याद करके कल बताने के लिए. तो आप लोग ये उस लीला स्थली का नाम जो है कल की कक्षा में बता सकते हैं. So end of that end big conversation, Uddhav will realize that he is nothing. He is completely not able to understand that so much of love and affection that gopis thought. So he will pray that let me become a small grass. Let me become the most menial one. Let me become a grass, and I will stay here in this grass so that the footprints are known. Let the gopis, walk over me like their foot, touch on my head. Like that, he would pray. So with that vow, he has manifested here in this particular place. So it is very, very fortunate that when we go to this, we can take darshan of beautiful deities of Radha Krishna also, and understand the mood and vow of this Uddhav. And it is still believed that Uddhav still here in this particular place as one of the forms of in the grass state. तो गोपियों से कृष्ण के विषय में चर्चा करने के बाद उद्धव जी जो हैं बहुत ही अभिभूत हो जाते हैं और वो गोपियों के कायल हो जाते हैं. वो यही अभिलाषा करते हैं कि अगर उन्हें अगर कोई जन्म मिले तो उस ब्रजधाम में मिले और वो ब्रजधाम में वो एक घास के तिनके की तरह उनका स्वरूप हो, जिस तरह से गोपियां जो हैं वो भगवान की जो इतनी उच्च कोटि की भक्त हैं उनको रौंदते हुए जाएं और जिससे उनके गोपियों के जो चरण चरण स्पर्श है वो उन्हें उनका रोज उन्हें चरण स्पर्श करने का उन्हें रोज जो है अवसर प्रदान हो. तो जब जब कभी भी आपको मौका मिले जब आप गोवर्धन परिक्रमा में जाएं तो हमारा अनुरोध है कि आप इस स्थल पर जरूर जाएं और इस स्थल का जरूर दर्शन करें और वहां पे उस स्थल पर ही निकट में ही एक राधा कृष्ण का बहुत ही सुंदर विग्रह भी स्थापित हुआ है और ऐसी मान्यता है कि आज भी उद्धव जी जो है स्थल पर घास के रूप में उपस्थित हैं और वो जो सारा भाव था ये जो भाव था घास के रूप में उपस्थित होने का या घास के रूप में ब्रज में बनने की जो इच्छा थी उस भाव को
उद्धव जी ने इसी स्थल पर प्रकट किया था। So before on the way we are reaching the Radhakund is a place called Shiva Hari or Shiva Hari. It's called also called as Shiva Pushkarni. तो राधाकुंड पहुंचने के मार्ग में हम अब शिव पुष्करणी नामक स्थल पर पहुंच गए हैं। So one day there was this jackal, a female jackal. She was pregnant and she was roaming here and there. And the Gopa boys, somebody recently, they were trying to attack and trying to tease this particular jackal. So this jackal went and hid under a small hole. And she protected that particular jackal. So that is why this place is called as Shivakhari. तो ऐसी माने ये हाल की घटना है कि एक गर्भवती लोमड़ी जो है वो इस इलाके से गुजर रही थी और इस गर्भवती लोमड़ी को जो ग्वाले थे वो तरह तरह से उनको प्रताड़ित कर रहे थे। भय से ये लोमड़ी जो है वो एक छोटे से गड्ढे में जाके छिप गई और ऐसी मान्यता है कि राधा रानी ने उसकी उसको संरक्षण दिया और उसको उन जो उद्दंड ग्वाल बालों से उसकी रक्षा की। इस वजह से इस स्थल का नाम जो है वो शिवखरी पड़ा। So then finally we are reaching Radhakund. So from tomorrow we will take Radhakund parikrama. और अब हम राधाकुंड पहुंचने ही वाले हैं और कल हम राधाकुंड की परिक्रमा करेंगे। Tomorrow we will start with Radhakund. तो हम कथा को यात्रा को यहीं पे आज विश्राम देंगे और कल हम राधाकुंड से पुनः शुरुआत करेंगे। आप लोगों में से किसी भक्त को, किसी महानुभाव को, माता जी को, प्रभु जी को अगर कोई प्रश्न हो, कोई शंका निवारण, किसी तरह का कोई किसी भी तरह का कोई आप लोगों को कोई भी जिज्ञासा हो, आप अपना हाथ ऊपर करके